नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी खबर पर जो कि राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर विधायक हेमंत कटारे हनी ट्रैप मामले में जांच के लिए डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने एसआईटी गठित कर दी है। 9 सदस्यीय टीम अब मामले की जांच करेगी। राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक हेमंत कटारे हनी ट्रैप मामले में जांच के लिए डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी ने एसआईटी गठित की है। 9 सदस्यीय टीम अब मामले की जांच करेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आकाश सेन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी आकाश, विधायक हेमंत कटारे मामले में अब जांच एसआईटी को सौंपी गई है। जी बिल्कुल प्रतीक्षा, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से हनी ट्रैप मामला जो है सामने आया था, उसके बाद जिस तरीके से लगातार परते दर परते इस मामले में पुलिस जा रही है, उसी को देखते हुए अब इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी करेगी। और इसके लिए जो भोपाल डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी, उन्होंने विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसका गठन किया है। और 9 सदस्यीय ये टीम है जो इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। माना जा रहा है कि ये इस टीम बनने के बाद जो मामले में जिस तरीके से लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब ये टीम जो है पूरे मामले की जांच जो है अब एसआईटी द्वारा की जाएगी। जी आकाश, वही युवती की मां के द्वारा भी जांच की मांग की जा रही है, तो क्या इसी को देखते हुए एसआईटी की टीम गठित की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से पहले हनी ट्रैप मामला सामने आता है, कांग्रेस विधायक का वो जो है युवती पर जो है ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हैं, युवती जेल जाती है, और उसके बाद इसी घटनाक्रम में कई वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, और उसके बाद युवती की तरफ से जो है जाति की शिकायत की जाती है महिला थाने में, तो कहीं ना कहीं मामले में तमाम मोड़ आ रहे हैं। और जिस तरीके से बात की जा रही कि काफी उलझा हुआ मामला, और इसी को लेकर इस मामले की जांच जो है अब एसआईटी द्वारा कराई जाएगी।